I ask questions all the time. What do you know about our organization? Oh, about this organization. इस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सरासत ने जो मुझे बताया, एक चैरिटी का इदारा है और एजुकेशन उसका एक हिस्सा है, जिसमें अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनको एजुकेट किया जा रहा है, उनसे कोई खास ट्यूशन फीस नहीं दी जाती। जो नॉमिनल ट्यूशन फीस दी जाती है वो सिर्फ आपकी इज्जत नफ्स की बका के लिए ली जाती है कि आपको ये फील ना हो कि आप फ्री पढ़ रहे हैं। अदरवाइज एक नॉमिनल रेट पे आपसे अच्छी तरीन दी जा रही है जो किसी भी किप्स और इस तरह की अकेडमियों में दी जाती है, और ये सबका जारी का अमल है। इसमें बहुत सारे अहबाब जिनके मैं अभी नाम नोट कर रहा था, सर अदरीस है, इमरान साहब हैं, अनीस कादरी साहब हैं, और इस तरह के दीगर दो अहबाब जो सर निशान के सर मंसूर साहब के साथ अफिलिएट हैं, ये उनका एक प्रोजेक्ट है और ये उनकी वो नेकी है जिसकी सही मुहावरा यूज किया जाता है, नेकी का दरिया में डाल। ठीक है, क्योंकि इसका जो सिला है हमेशा अल्लाह की बात की तरफ से आना है, अफराद की तरफ से नहीं आना। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिरा, आई एम रीडिंग री 9 क्लास एंड मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, व्हाट कैन वी डू फॉर अस एंड दैट अगर वी कैन डू अ लॉट फॉर यू, प्लीज बैठे मैं आपको बताऊँ। बेटा देखें, एक पहला प्लेटफॉर्म तो आपका ये है जो सर मंसूर सर निशान की मेरी निगरानी है, और ये ना सिर्फ पढ़ाई का है, मैं अभी पहले भी बात कर रहा था, बल्कि इनके और भी प्रोजेक्ट हैं जिसमें राशन के हवाले से इनकी सीरीज चलती है, माह रमज़ान के हवाले से, और फिर बाकी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको मुसलसल कोई ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से उनका फैमिली सिस्टम नहीं कर रहा, तो वो सर सपोर्ट करते हैं माहाना बुनियादों पर और हफ्ते के बुनियादों पर। उसके बाद अगर आप हमारी बात करेंगे तो बेसिकली हम साइको सोशल प्लेटफॉर्म पे, ये उर्दू सॉरी अंग्रेजी का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, इसमें ये कि आपकी नफसियाती मदद करना और समाजी मदद करना। समाजी मदद हम एजुकेशन और ट्रेनिंग के हवाले से कर रहे हैं। ठीक है, हम मेरा कॉलेज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, एमयू कॉलेज में मैं होता हूँ, गवर्नमेंट एमयू कॉलेज में, वहाँ पे बच्चों के जो भी मसाइल होते हैं हम उसको एड्रेस करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप असल साहब से ले सकते हैं, आप सिर्फ अपना नाम अपना मसला लेके बताएंगे, हम आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, और गाइड करने के साथ साथ जहाँ पे फिजिकल हेल्प की जरूरत होगी बच्चों को, हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपकी मदद की नौइयत क्या है। इससे पहले हमने बात की थी कि अगर आप हमारे क्लिनिक पे आना चाहें वहाँ पे मतलब जैसे चाहे आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। ठीक है, एनी टाइम, लेकिन अपने अपॉइंटमेंट लेके आना, एनी टाइम से बड़ा ये नहीं कि आप वहाँ खड़े होकर करें, जिस तरह वहाँ आए हुए हैं, हम अवेलेबल होते हैं लेकिन अपॉइंटमेंट के साथ। ठीक है, आप क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, कोई ऐसे मसाइल होते हैं, फैमिली के इश्यूज होते हैं, एडजस्टमेंट्स के इश्यूज होते हैं, उनको इंडिविजुअली डील किया जाता है। ठीक है, अगर आपका किसी का जाती मसला है, किसी के घर का मसला है, आप वन टू वन वहाँ पे हैं और वो कहता सेटअप है, वहाँ पे आपको चाय भी पिलाएंगे, एक अच्छा ऑफिस है हमारा, और आपके मसले को भी सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि वो आपका मसला हल हो जाए। ठीक है,